आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। सारी चीज़ें बिल्कुल सेटल हो गई हैं, मोटे तौर पे कल शाम तक हो गई थी इसलिए ज़्यादातर हमारे साथी आए नहीं, बस कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं और अब पूरी तरह से परेड की तैयारी। और आप जब यहाँ पे हैं तो आपके माध्यम से मैं दो चार अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि पंजाब में बाकी देश में बहुत किसान इसको देख रहे होंगे, चारों तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं, जितनी ज़्यादा सपोर्ट आ रही है उसको देखते हुए आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए साथियों, हम दिल्ली जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश का दिल जीतने के लिए जा रहे हैं। और अब जबकि पुलिस प्रशासन को मजबूर होना पड़ा है हमें दिल्ली के अंदर जाने के लिए, आज तक जिसकी परमिशन नहीं मिली ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली के अंदर ले जाने की, वो परमिशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिम्मेवारी हमारी है कि कोई ऊंच नीच ना होने पाए। एक मैं अपील ये करूंगा कि हमारे जितने भी साथी अपनी ट्रॉलियां लेके बैठे हैं, मेरा सबसे अपील है कि सिर्फ ट्रैक्टर अंदर लेके जाएं, झांकी वाली ट्रॉलियां तो जाएंगी, बाकी ट्रॉलियां ना लेके जाएं। पहले ही बहुत लंबा हमारा प्रोसेशन बन रहा है, उसको थोड़ा सा छोटा रखें। और पिछली बार जब हमने थोड़ी सी ट्रेलर दिखाया था तो हमारे कई साथी उत्साह में आके बोनट पे बैठ गए थे, सामने आ गए थे, छत पे बैठ गए थे। अब हमें अपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और एक शानदार रिपब्लिक डे किसान परेड, जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार होगी, वो हमें करके दिखानी है। अपना किसान का दुख, किसान का दर्द और तीन कानूनों के खिलाफ किसान का जो रोष है वो पूरे देश तक पहुंचा रहा है। सर प्लान बता सकते हो? ज्यादा की परमिशन है या 24 घंटे के लिए परमिशन? जब तक हमारे ट्रैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक की परमिशन है, मैं तो मान के चलता हूँ। क्योंकि जब किसान अंदर आने शुरू होंगे, मैं कैसे किसी किसान को बोल दूं कि तू गुरदासपुर से आया अब तो रुक जा, अब तो अंदर मत जा, वो तो आएगा और आने देना पड़ेगा। सर रूट प्लान कब तक होगा? जो परेड है वो कब से शुरू होगी जी? टाइम कितने? टाइम बताया कोई? हम 26 तारीख को जिस टाइम हम असेंबल हो सकेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसी कंडीशन है, परेड होगी राजपथ पे, उसके बाद आप लोग उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम अपना जब असेंबल कर सकेंगे उस वक्त हम असेंबल होके यहाँ से चलेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इतने लोग हैं तो हम जल्दी चलेंगे तो ज्यादा लोग आ सकेंगे, जितना हम देर करेंगे उतने कम लोग दिन के टाइम आ सकेंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द निकलें। सर प्रॉपरली रूट प्लान बता सकते हो? सर प्रॉपर रूट प्लान बन गया है, पूरे पांचों जगहों का, पांच अलग अलग सर्कल बनेंगे, पांचों जगह से किसान जहां से शुरू होंगे वहीं पे वापस आएंगे, पांच सर्कल हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में अभी जाके वहां से हम मीडिया को रिलीज पूरा मैप ही रिलीज कर देंगे ताकि आप मैप देख सकें, एक एक पॉइंट का मैप देख सकें। वैसे ही सर ग्रुप में हो जाएगा ये मैं आपको घंटे भर बाद बता दूंगा, लेकिन मैप है, मैप तो पीसी में क्या बताएंगे आपको, मैप पूरा रिलीज कर देंगे ना, हमारे पास ऑफिशियल मैप है रिलीज कर। सर एक रवनीत बिट्टू पे ना आज सर रवनीत बिट्टू पे हमला हुआ, एक गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। मैं चाहता हूँ राजेंद्र भाई इस बात को सप्लीमेंट करें, आप की बात। देखो अंदर तक वही जो तय होना सी तय होया, सब तो इम्पोर्टेंट गल है जी, कल भी कही आ कि जो 1947 तो बाद अज तक देश के दिल्ली के इतिहास च नहीं होया, ना दिल्ली के इतिहास च, ना देश के इतिहास च, ना किसान अंदोलन के इतिहास च, वो पहली बारी 26 जनवरी नू होन जा रहा है। इस तो वड्डी कोई गल नहीं गी। और एदियां जिहड़ियां ने जिहड़ी गणतंत्र परेड हुंदी आ उहदी तैयारी महीनिया बद्धी चलती आ और असी सिर्फ 3 दिनां दी तैयारी करनी आ। और यह तुसी देखो कि साडे जिहड़े वलंटियर ने, साडे आगू आ, वह बहुत घट सौ रहे, बहुत इन्ना समा लगातार काम कर रहे, बहुत वड्डी जिम्मेवारी हैगी आ। तो थोड़े राही बेनती आ सारे लोगों नू कि इनू इन्नी जिम्मेवारी नाल करिए।